कॉस्मॉस बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय का सर्वर हैकर कथित और पर 94 करोड़ रुपए देश से बाहर ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। बैंक ने मंगलवार को चतुर्थशृंगी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। इस संबंध में बैंक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। FIR के मुताबिक इस मामले में हांगकांग की एक कंपनी और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। कॉस्मॉस देश के पुराने कोऑपरेटिव बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। बैंक ने FIR में कहा, गणेशखिंड रोड स्थित बैंक के मुख्यालय में ATM स्विच सर्वर को मालवेयर अटैक के जरिए हैक कर लिया गया। इस दौरान डेबिट कार्ड के 14849 ट्रांजैक्शन के जरिए 85 करोड़ रुपए बैंक के खातों से चुराकर विदेशी खातों में ट्रांसफर किए गए। मालवेयर अटैक के जरिए ही हजारों डेबिट कार्ड को हैक किया गया था। दूसरा ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के जरिए किया गया। इसमें 13.9 करोड़ रुपए की रकम विदेशी खातों में भेजी गई। 11 और 13 अगस्त को रकम का ट्रांजैक्शन किया गया। एक कर्मचारी मैसेज जारी करता है, दूसरा कर्मचारी उसे अधिकृत ऑथेंटिकेट करता है, तीसरा मैसेज को वेरीफाई करता है, एक चौथा एम्प्लॉई लाउड भेजे जाने के बाद लेन देन से जुड़ा प्रिंटआउट रिसीव करता है। हैकर्स ने पूरी प्रक्रिया को हैक कर इसका इस्तेमाल रकम भेजने में किया।